पिछले 24 घंटों में झारखंड में लगभग सभी स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली, साथ साथ पे कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिली और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली। और जो सबसे अधिक बारिश है 152.8 मिलीमीटर मेराल गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया है। मुख्य वर्षापात की बात करें तो मेराल गढ़वा में 152.8, गढ़वा सिटी में 142.6, बुढ़मू रांची में 112 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 110 मिलीमीटर, चाकुलिया में 105 मिलीमीटर, पोटका में 95 मिलीमीटर, धलभूमगढ़ में 94 मिलीमीटर, गारू में 90 मिलीमीटर, लातेहार में 85 मिलीमीटर मुख्यतः आपको बारिश देखने को मिली है। और जो गंभीर अवदाब डीप डिप्रेशन जो गंगीय पश्चिम बंगाल में था, वो बहुत धीरे धीरे कल शाम से वो काफ़ी धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ा है और आज सुबह में वो 22.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 87.8 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। और ये कलकत्ता से सुबह में 60 किलोमीटर दूरी पे था पश्चिम की दिशा में, और जमशेदपुर से 170 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। और रांची से बात किया जाए तो पूर्व दक्षिण पूर्व 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रांची से केंद्रित है। ये धीरे धीरे पश्चिम तरफ बढ़ रहा है और आज 15 तारीख शाम तक में ये डीप डिप्रेशन गंभीर अवदाब की स्थिति को कायम रखेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और ये धीरे धीरे कमजोर होता हुआ डिप्रेशन के रूप में ये पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा और झारखंड और छत्तीसगढ़ को अगले 48 घंटे के भीतर में ये झारखंड होता हुआ छत्तीसगढ़ के पास में पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को देखते हुए क्या मौसम का पूर्वानुमान है और क्या चेतावनी है। तो 15-16 राज्य में लगभग सभी स्थान पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 17 तारीख से बारिश में काफी कमी आएगी और राज्य में कुछ कुछ स्थानों से आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो दो दिन 15-16 के बाद से 17-18-19 तीन दिन बारिश में आपको कमी देखने को मिलेगी और कुछ ही स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 15 तारीख में आज में रेड अलर्ट है, खासकर जो दक्षिणी इलाके हैं उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं, जिसमें बोला जाए तो पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा खूंटी गुमला, इन इलाकों में आपको अत्यधिक बारिश की आज रेड अलर्ट है। और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की बात करें तो रांची रामगढ़ बोकारो हजारीबाग लातेहार लोहरदगा इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना आपको देखने को मिल रही है। और जो संथाल से सटे हुए जो इलाके हैं देवघर जामताड़ा गिरिडीह धनबाद कोडरमा इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो 15 तारीख में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 16 तारीख में सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और जिसको देखते हुए जो झारखंड के पश्चिमी भाग हैं जिसमें गढ़वा पलामू चतरा लातेहार यहाँ पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है। लोहरदगा गुमला सिमडेगा में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उससे सटे हुए मध्य भागों में भी आपको मॉडरेट रेनफॉल देखने को 16 में भी मिलेगा। और अगर हवा की चेतावनी की बात की जाए तो हवा आज में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आज हवा आपको बीच बीच में चलती हुई दिखाई देगी सिस्टम से एसोसिएटेड में। और कल 16 तारीख में थोड़ी सी कमी आएगी और आपका 30 से 40 गस्टिंग टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको सतही हवा चलती हुई सिस्टम के एसोसिएटेड में दिखाई देगी। 17 तारीख से जो मौसम है उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और जो अधिकतम तापमान है जो कि काफ़ी गिर गया अभी, तो अभी 17 तारीख से उसमें 3-4 डिग्री की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इस सब को देखते हुए लोगों से अपील है कि अभी थोड़ा सा खास ध्यान दें। आज में जो सिस्टम है सुबह से देख रहे हैं कि हम लोग के दक्षिणी भाग में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और दोपहर शाम से इसका इम्पैक्ट जो सेंट्रल झारखंड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। और देर शाम रात में ये जैसे ही सिस्टम और नज़दीक आएगा तो इसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, तो जिससे गीली मिट्टी गीली हो सकती है, जो पुराने पेड़ हैं ये सब गिर सकते हैं, लो लाइंग एरिया निचले इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक कंजेशन जैसी स्थिति हो सकती है, पावर डिसरप्शन हो सकता है, नदी के किनारे ना जाएं, थोड़ा वहां जाने से बचें। तो आप थोड़ा सा
एहतियात बरतेंगे तो ये जो सिस्टम है उसमें आप सही से आप पार पाएंगे। धन्यवाद।